जेके न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। योगी सरकार के योजनाओं के तहत विकास कार्य प्रगति पर चल रहा है। प्रदेश सरकार की योजना थी कि जो सड़कें टूटी व खराब हैं उसको नया बनाया जाए ताकि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, और आज इसी योजना के तहत नोएडा में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नोएडा के भूड़ा गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ता आनंद तिवारी सीतम भाटी ने बताया कि नोएडा विधायक पंकज सिंह ने हमारी आवाज़ सुनी, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाया और आज यहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं। हमारे यहां ये रोड करीब 7-8 साल से बेकार हो रहा था, बिल्कुल लिखना पढ़ना भारी हो रहा था। स्कूल चार स्कूल के बच्चे आते थे, उन्हें लिखने के लिए भी जगह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे कभी नाली में गिर जाते थे, कभी सड़क पर गिर जाते थे। और आदरणीय भैया पंकज जी द्वारा ये दो महीने की आने के बाद ही इतना बढ़िया काम चालू स्टार्ट कर दिया कि हम गांव वाले सब जो बड़े खुश हैं। विधायक पंकज जी द्वारा मैं उनको जाके समस्या भूड़ा गांव के अवगत कराया। 4 साल से सपा बसपा सरकार रही, कोई कार्रवाई नहीं हो। भाटी जी कई बार जा चुके और लोगों से कहे भी, लेकिन इस रोड का कोई वो ना हुआ समाधान। और फिर मैंने अपने विधायक जी से अवगत करवाया, जाके हमारे राजकुमार झा मंडल अध्यक्ष जी द्वारा, और मैं मंडल मंत्री आनंद तिवारी, देवेंद्र कश्यप और भाटी जी ले जाकर बातों वहाँ अवगत कराया। हमारे विधायक जी ने 2 महीने ही अभी हमारी सरकार बने हुआ काम शुरू से तेजी से शुरू हो गया। सीतम भाटी ने कहा अभी भी इस गांव में सड़कें नाली सीवर से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। ये तस्वीरें नोएडा के भूड़ा गांव की हैं। ये गांव के अंदर का आम रास्ता है और इसी रास्ते से सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि इस रास्ते से निकलने वाले लोगों को किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता होगा। और पिछले कई सालों से नोएडा के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी भी नोएडा में ऐसे कई गांव हैं जहां पर कई सालों से विकास न होने की वजह से बुरा हाल है, लेकिन इन गलियों में रहने वाले लोगों का दर्द सुनेगा कौन। ये भैया यहाँ पानी तो भरे हुए 1 साल के करीब हो गया। पहले भी मीडिया वाले भी आए हैं, DM तक को भी इसकी गुहार लगाई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भैया हम भी मतदान करते हैं, मतदाता हैं, हमें भी अधिकार है जीने का। हमारे बच्चे बीमार होंगे, महामारी फैलनी है, मुझे बुरा हाल है। JKK न्यूज की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें JKK न्यूज़।